स्वतंत्र राज्य मान्यता दाबी को जोरदार कला जेडीयू एने दलर जातीय कार्यकारिणी रे प्रस्ताव पारित होईछि। नीट महाघोटालर सठिक तदंत सहित दोषी विरोध में दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान जेडीयू कार्यकारिणी रे प्रस्ताव पारित होईछि। एपट सेपट न हो जेडीयू एनडीए रे रहिबो बोली कार्यकारिणी रे घोषणा करिछंती नीतीश कुमार। संजय झा को दलर जातीय कार्यकारी सभापति करा जायछि। बिहार को दरकार स्वतंत्र राज्यर मान्यता कि स्वतंत्र आर्थिक पैकेज बिहार विकास यहाँ निहाती दरकार। ए दाबी बहु पुरुणा एवं पूरण होगा जाए दाबी जारी रहिब। दिल्ली में अनुसूचित जेडीयू राष्ट्र कार्यकारिणी एने प्रस्ताव पारित हो आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। दोनों चीजें लिखी हुई आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई है, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। जेडीयू कार्यकारिणी दुईट प्रस्ताव पारित हो प्रथमटि स्वतंत्र राज्य पाह्या को नहीं होता बेले द्वितीयटि नीट परीक्षा को नहीं। नीट परीक्षार तदंत सठिक भाव करा दोषी प्रति दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान दावी करिछि जेडीयू। दल राज्यसभा सदस्य संजय झा को जातीय कार्यकारी सभापति नियुक्ति दिया जायछि। बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे नेता और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में। तो इनके काम को बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना ये एक उद्देश्य रहेगा, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी। जेडीयू आ डाण है एनडीए सबुदिन रही जातीय कार्यकारिणी घोषणा करीतीश कुमार। प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर वन, नंबर दो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। निकटरे बिहार रे जातिभित्तिक जनगणना कराई पछुआ वर्गों पर संरक्षण सीमा बढ़ाई नीतीश कुमार 50% रु एहाकु 65% करथिले, जहाकु पटना हाईकोर्ट रद्द कर दैथिया बेले बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जिबे बोली कहिछंती। जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने बैन लगाई है उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर चार, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आउ किछ मास परे झारखंड निर्वाचन होगा आसंत बिहार विधानसभा निर्वाचन एभली स्थित कौन रल आभिमुख्य केमी दल निजक प्रस्त कर से नहीं जातीय कार्यकारिणी होती आलोचना। मेन यही है कि बिहार में जो चुनाव हुआ उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते, 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। हमारा जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने उसमें सहायक होगा और अभी बहुत से राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है तो उन चुनावों में हम कैसे और सांगठनिक रूप से मजबूत होकर चुनाव लड़े इस पर संजय झा जी और मजबूती से काम कर सकेंगे। परिणाम आने के बाद और केंद्र में सरकार में हमारी भागीदारी एनडीए को माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शानदार सफलता तो निश्चित रूप से यह गौरतलब राजनीतिक घटनाक्रम है और विधानसभा का चुनाव 2025 में है तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना कि उनके किए गए कार्य पर जनता ने मुहर लगाया है। स्वतंत्र राज्य मान्यता बिहार बहु पुरुणा दाबी, मोदी सरकार गत दुईट टर्म नीतीश कुमार एही दाबी को बारंबार दोहराई किंतु किछि मिलेनि। एबे किंतु जेडीयू कार्यकारिणी रे एने प्रस्ताव पारित होछि, तबे नीतीश को दाबी को मोदी सरकार एथर किभलि पूर्ण करिवे ताहा उपरे रहिछि समस्तक नजर। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।
14 दिन पई विचार विभागीय हाजत को गले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार तांकर 3 दिनिया रिमांड कस्टडी शेष होइता बेले तांकु राउज अभिनू कोर्ट रे हाजर कराइथिला सीबीआई आ 5 दिनिया रिमांड नेबाकु कोर्ट रे अनुरोध करथिला। सीबीआई वकीलंकर कहबा कथा अबकारी दुर्नीति बाबदरे अनेक किछि तथ्य प्रमाण मिलिछि तणि एभले स्थितिरे केजरीवाल को कस्टडी रे नै आहुरी पचराउचरा करिवार आवश्यकता रहिछि। तबे तदंतकारी संस्था की तथ्य प्रमाण पाइछि ता कोर्ट रे उपस्थापन करबाकु दाबी करथिले केजरीवाल को वकील विचारपति उभय पक्षर जुक्ति सुनिबा परे राय संरक्षित रखिथिले परे केजरीवाल को 14 दिन पई विचार विभागीय हाजत को पठाई देछंती। सबरे केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई रो दुरुपयोग करथुबा अभियोग करिछि आम आदमी पार्टी। तुरंत केजरीवाल को मुक्ति दाबी रे जोरदार विक्षोभ करिछि आम आदमी पार्टी। दिल्ली अबकारी दुर्नीति रे गत मार्च 21 तारीख रु मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ करथिला ईडी और निकट रे राउज अवेन्यू कोर्ट रो विचारपति जस्टिस न्यायबिंदु तांकु जामिन देथिले किंतु तळकोर्ट को राय विरोध रे हाईकोर्ट जाइथिला ईडी जेउटी हाईकोर्ट तळकोर्ट को राय को ऊपर स्थगितादेश लगाइथिले। मामला सुप्रीम कोर्ट को जाइता बेले राउज अवेन्यू कोर्ट को अनुमति नै केजरीवाल को गिरफ करिछि सीबीआई आ तळकोर्ट रे सीबीआई रिमांड कस्टडी आवेदन करबा परे सुप्रीम कोर्ट रु जामिन आवेदन प्रत्याहार करि नैथिले केजरीवाल। आज सीबीआई की 3 दिन की कस्टडी एंड हो रही थी तो आज उन्होंने उनको प्रोड्यूस किया था अरविंद केजरीवाल जी को। सीबीआई ने फर्दर पुलिस कस्टडी नहीं सीख करी, जुडिशियल रिमांड सीख किया था जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा कि सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको जो है फर्दर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने सीबीआई और हमारे को सुनकर अरविंद केजरीवाल जी को आज से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को 12 तारीख को 12 जुलाई को फिर दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जब ईडी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो हाई कोर्ट से बगैर आदेश की कॉपी के उस ऑर्डर के ऊपर स्टे ले लिया गया, नंबर एक। और जब सुप्रीम कोर्ट से ईडी की जमानत पर मोहर लगने की संभावना थी, ठीक उसके पहले सीबीआई को भेजकर नियम कानून संविधान सबको ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फर्जी मुकदमा लगा के पहले उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया और आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। बीजेपी विरोध में रणहुंकार देले झारखंडर पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आगामी विधानसभा निर्वाचन में झारखंडवासी बीजेपी को राज्यरु सफा करदे कहते से जेल्रु बेल आसवा रांचीस्थित निज बासभवन में झारखंड मुक्ति मोर्चार नेता और कर्मी को शनिवार संबोधन करते हेमंत सोरेन। से निर्दोष होता बेले बीजेपी विरोध में षड्यंत्र जेल्रे पुराई जार जवाब आगामी विधानसभा निर्वाचन में झारखंडवासी देवे से कहते बीजेपी को एवं कबर देवार समय आसी जाइथिबा कहिछंती सोरेन। शुक्रवार झारखंड हाईकोर्ट हेमंत सोरेन को जमीन देइछंती। दुई जन जमीनदार एवं 50,000 टंका लेखाएं मुचालिकारे तांकु जमीन मिलिछि। रांची जमी दुर्नीति गत जनवरी 31 तारीख में हेमंत सोरेन को गिरफ्त करथिला प्रवर्तन निर्देशालय। गिरफ्त हेबार किछि घंटा पूर्वरु से मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा देथिले। अभियोग को मूलरु अस्वीकार करि आसुथिले हेमंत सोरेन। एपरिकि जमी दुर्नीति नै जदि केहि तथ्य प्रमाण रखि दियंती तबे से सबुदिन पई राजनीतिरु सन्यास नैजे बोली मध्य कहिथिले। झारखंड स्वतंत्र कोर्ट तांक जमीन को नामंजूर करबा परे हाईकोर्ट रे आवेदन करथिले से हाईकोर्ट रु जमीन न मिलबारु सुप्रीम कोर्ट रे अंतरिम जमीन आवेदन करथिले। आ केजरीवाल को जमीन मिलबा परे निर्वाचनी प्रचार पई सर्वोच्च कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले हेमंत सोरेन। तबे शेषरे हाईकोर्ट तांकु नियमित जमीन देइछंती। सपना है, उस सपना ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना कुछ
कौन खूब शीघ्र मुख्यमंत्री पद छाड़े कि बीरेन्द्र सिंह मणिपुर मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह पद छाड़ चाप पड़ा जमापड़ मणिपुर रे बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार चलुता बेले सात जन विधायक एवं दिल्ली में डेरा पकड़ बीरेन्द्र सिंह पद छाड़ी से केन्द्रीय नेतृत्व उपर चाप पका जमापड़ डेवलपमेंट को नहीं बीरेन्द्र सिंह विशेष किसी कही ना से मुख्यमंत्री पदर रिंबा इस्तफा देवा हाथ में ना कहते से गत वर्ष मे तीन तारीख एवं जाए अर्थात 14 मास धरी मणिपुर में जातीयण हिंसा लागि रही एथिरे 200 रु अधिक लोकों जीवन जाता बेले 50,000 रु अधिक लोक एवं निज घर द्वार छाड़ आश्रयस्थल रोचार परिस्थिति में सुधार आने को उभय राज्य और केन्द्र सरकार संपूर्ण विफल होती जातीयण हिंसार प्रभाव गत लोकसभा निर्वाचन में देखा मिली पूर्व मणिपुर दुईट जाक आसन बीजेपी हाथ में थी एवं कांग्रेस पाखक जातीयण हिंसा रोकवे राज्य कांग्रेस विफल होवु लोके निर्वाचन में तार जवाब दे स्वीकार मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह सबसे शासक दल विधायक मानक उपरे मध्य साधारण लोकों ठारु प्रबल चाप पड़ुछि यूजीसी नेट पर नुआ तारीख घोषणा कला एनटीए अगस्त 21 सेप्टेम्बर 4 तारीख मध्य हेबो सानी यूजीसी नेट एथसहित जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा मध्य घोषणा होई जुलाई 25-27 तारीख मध्य परीक्षा करा जिवो परीक्षा स्वच्छता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट रे उभय परीक्षा करा जिवो एने जातीय परीक्षा एजेंसी बा एनटीए पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायछि गत 18 तारीख में एनटीए द्वारा परिचालित यूजीसी नेट होता विश्वविद्यालय और कॉलेज सहकारी प्रोफेसर पदवी जूनियर रिसर्च फेलोशिप योग्यता निर्धारण पर परीक्षा होता पाखापाखि 9 लाख अधिक परीक्षार्थी सामिल होते मात्र अनियमितता अभियोग मात्रे तुरंत परीक्षा को बातिल एनटीए विज्ञप्ति अनुसार एनसीईटी 2024 परीक्षा जुलाई 10 तारीख में होपरी जुलाई 6 तारीख में ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हो राम मंदिर गर्भगृह परे एबे रामपथ प्रभावित 14 किलोमीटर रामपथ मौसुमी वर्षा प्रभावित होइछि रास्ता धोइजिबा सहित बहु खाल खमा मध्य सृष्टि होइछि ए घटना पई योगी आदित्यनाथ सरकार 6 जन म्युनिसिपल कर्मचारी को निलंबन करिछन्ते राम मंदिर गर्भगृह रे पानी पड़ुथबा किछि दिन तले अभियोग करथिले मुख्य पूजक महंत सत्येंद्र दास महाराज जे स्थान रे भगवान रामलल्लांकर प्रतिमूर्ति विराजमान अछन्ते एवं वीआईपी दर्शन स्थान रे पानी पड़ुथबा अभियोग करथिले सत्येंद्र दास खाली सेते के नुहे मंदिर परिसर रु वर्षा जल निष्कासन पई सठिक व्यवस्था होइ नथिबा अभियोग करथिले से रामपथरे मध्य से ही समान जल निष्कासन समस्या देखा मिली तबे पानी जमिबार खूब कम समय मध्य निष्कासन करा जायथिबा कहिसेंति अयोध्या मेयर गर्भगृह रे पानी पड़ा और मंदिर परिसर रु वर्षा जल निष्कासन हो न पारिबा नै समस्या को पूर्व स्वीकार करते मंदिर निर्माण कमिटी मुख्य नृपेश मिश्र सबड़े किंतु मंदिर ट्रस्ट साधारण संपादक चंपत राय वर्षा जनित कौन प्रकार समस्या को अस्वीकार कर आसिया परवर्ती खबर को महाकाशरु केबे फेरिबे सुनीता विलियम्स एवं बीच विलमोर बोइंग स्टार लाइनर्स रो बैटरी लाइफ 45 दिन होता बेले 90 दिन जाए संप्रसारण कराइबा को उद्यम जारी रखिछंती उभय नासा एवं बोइंग कर्तृपक्ष किंतु दुई महाकाशचारी केउं दिन फेरिबे ता निर्दिष्ट भावरे कही पारु नाहंती नासा एवं बोइंग कर्तृपक्ष बोइंग स्टार लाइनर रे जून 5 तारीख रे महाकाश को जाइछंती सुनीता विलियम्स एवं बीच विलमोर 8 दिनिया मिशन ने सेमाने जाइथिले जून 13 तारीख रे सेमाने पृथ्वी को फेरिबार थिला किंतु 5टी हीलियम लीक 5टी थ्रस्टर एवं वाल्व बंद नहेबा कारणरु सेमाने फेरी पारु नाहंते नासा प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिकर कहबा कथा सेमाने ए जाय त्रुटि को सठिक भावरे धरि पारु नाहंते सेबरे सुनीता विलियम्स एवं बीच विलमोर सेठारे थिबा अन्य महाकाशचारी मानक सहित मिसी सेमानकर दैनंदिन काम जारी रखिथिबा कहिछि नासा स्टार लाइनर सर्विस मॉड्यूल रे जेउ त्रुटि होइछि ताहा सठिक करबा मुश्किल जदिबा सजडा होइ जाय तथापि ताहा वायुमंडल दे पृथ्वी को फेरिबा संभव होइ न पारे एभलि स्थिति रे स्टार लाइनर को महाकाश रे छाडी दे दुई महाकाशचारीकर प्रत्यावर्तन पई विकल्प व्यवस्था करि पारे नासा स्टार लाइनर बैटरी लाइफ 45 दिन होता बेले महाकाश में यह रिचार्ज कराइ 90 दिन करने को चेष्टा करा जाउछि बदलिबाकु जाउछि योजनार ना मेक इन ओडिशा कनक्लेव ना बदली जाई होइजिबो उत्कल इन्वेस्टर समिट
बीजेडी सरकार समय आरंभ होइतिबा विभिन्न योजना को आगो को नेबे नुआ सरकार विशेषज्ञ कहिछन्ति निवेशक आसिबे सत किंतु रहिछि बड़ चैलेंज। पुरुणा योजना को नहीं बदलुची नुआ सरकारको आभिमुख्य जनापड़ी पुरुणा योजना को नुआ रूप नुआ ना आगक ने प्लान करुछन्ति मोहन सरकार। यार भितर राज्य सरकार आयोजन करने को जाउछन्ति उत्कल इन्वेस्ट समिट लक्ष्य रही ओडिशारे 2.5 लाख कोटी पुंजी निवेश पूर्व सरकार अधिक पुंजी निवेश आनिबा लक्ष्य रे मेक इन ओडिशा कनक्लेव आयोजन करुथिले। मोहन सरकार मेक इन ओडिशा स्थान रे नुआ ना उत्कल इन्वेस्ट समिट आयोजन करने को विचार करुछन्ति बोली कहिछन्ति शिल्प और दक्षता विकास मंत्री संपद स्वाई। 2022 नवंबर 30 रु डिसेंबर 4 तारीख जाए मेक इन ओडिशार तृतीय संस्करण आयोजन होता जोधे निवेशक मैंने मोट 10,48,830 कोटी टंकार नवेश आग्रह देखा यहाँ 10,37,700 जन प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव निजुक्ति पाए से 18,785 नवेशकारी पंजीकरण करते जो 22 क्षेत्र में 741 प्रकल्प प्रस्ताव आ ये जहाँ भी हम लोक जोड़ा चाहूबे से योजना रही योजना से बंद हबार ना जदि लोक हित न आसो से सरकार पे विचार करेंगे निश्चित भाव में मो बस मोर कौन नु सब आमर आम समस्त ये जनसाधारण आहार योजना को आम टे देखा आहार योजना को पर आवश्यक जी पड़े आम पर करूँ कारण डालमा भात को आम आगे किसी एड कर दरकार पड़े तार किसी भी संशोधन कर अर्थनीति विशेषज्ञ मतरे।